हेलो मित्रों, धोरण 11 विषय हिंदी पाठ बीचो बापू की कुटिया में। यह गौरवशाली बिस्तरा जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया। तो शू कहे कि आ काठ की तख्ती एट्ले कि जेना बड़थी आपणे तेना उपर बेसीए तो थोड़ू तेमांथी आपणने वागे छे एटलू ज मोटू तक्यू त्यां लागेलू हतू। थक जाने पर बापू उसी तकिये के सहारे बैठते हैं। जयरे बापू थाकी जाए छे त्यारे तकियाने सहारे ते बेसी जाए छे। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुए एटले शू कहे छे के बिस्तर तेनी डाबी बाजू बापूनी कंईक कोई कामनी वस्तु राखवामां आवी हती। पतोका बना यह टोकरा अने पांदड़ाओथी बनेलो आ टोकरो जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते। टोकरा एटले के जेवुं पोताना एवुं बॉक्स जेवुं राखे छे जे पोताना कागळ ने पत्रो एमां तेमां राखता होय छे। आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है। आज पण तेमां एवा कागज अने पत्रो छे उसी की उस एटले शुं क्यारनी वात करवामां आवी छे कि ज्यारे लेखक हता त्यारनी वात करवामां आवी छे। उसी की बगल के समीप भरी लेखनी इसने अपनी नोक से जाने कितने लोगों का प्राणों को उद्वलित किया। ने शू कहे छे के या जादुई लेखनी एटले के तेनी कलम जेने पोते लखी लखी अने केटलाना प्राण छे ते बचाव्या छे उछळ कर्या छे। एक स्टेन्ड पर एक पेन्सिल अने एक स्टेन्ड पर एक पेन्सिल राखेली हती। फिर यह यरवदा चक्र जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्णवंशी से गोपियां नाचने लगती थी अपने को भूलकर कुल परिवार को भूलकर सारे संसार को भूलकर उससे सटे कताई के कुछ फूट कर सामान में पूनी तात आदि। फिर तीन खानों का एक छोटा सा सेल अने शू कहे छे કે આ જાદુઈ લેખની છે તેનાથી જ કેટલાના પ્રાણ તેણે ઉજ્જવળિત કર્યા છે અને ચક્ર એવી રીતે ફેરવે છે કે જેવી રીતે ચક્કર જેવા ચક્કરથી આખું ભારત છે તે નાચવા લાગે છે ઠીક એવી જ રીતે જ્યારે કૃષ્ણ છે તે પોતાની બંસી વગાડે છે ત્યારે જેમ ગોપીઓ નાચે છે તેવી જ રીતે પોતાના પરિવારને સંસારને બધાને ભૂલીને પોતાનામાં જ લાગ્યા રહેલા હોય છે અને એક નાનું એવું પોતાનું ખાનું હોય છે જે ત્રણ ખાના હોય છે અને શું કહ્યું છે સેલ્ફ ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈએ।